हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे नीट 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी को पता है कि नीट 2022 का डेट जो है वो 17 तारीख को है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये अभी डिमांड कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। जैसा जेई मेंस का एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट्स को, तो वैसे ही नीट से कैंडिडेट्स भी चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दे। लेकिन जब जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, उनके पास एक रीज़न था क्योंकि उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम बीच में आया था। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम जो 17 तारीख को है, जिसमें कोई डेट्स बीच में नहीं आ रहा, ना ही कोई बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा, ना ही कुछ आ रहा है, उसके बाद जेई एडवांस का एग्ज़ाम है, तो कोई भी रीज़न नहीं है आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का। तो आप लोग का बहुत कम चांस है कि आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। अगर बात करें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो ये 100% श्योर है या 100% चांस है कि आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, आप लोग एग्ज़ाम पोस्टपोन के फेवर में हो, तब आप लोग ट्विटर में आप लोग ट्वीट कर सकते हो, या बहुत सारे मीडियाज़ भी आप लोग का हेल्प करेंगे। लेकिन ये 100% और बहुत कम चांस है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा। तो अभी आप लोग इस समय एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी जो भी आप लोग को टाइम मिल रहा है, जो भी आप लोग के पास टाइम है, उसको रिविज़न में दिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज़ दोगे, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पेपर आप लोगों को फेस करना है, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का बारे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ये सब आप लोगों को तभी पता चलेगा तब जब आप लोग टेस्ट दोगे। तब ऐसे एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप लोगों को टेस्ट आप लोग दे सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोगों को ये सब अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ये सब में अभी मत रहिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ये 100% श्योर है। जो जेई का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, उनका बोर्ड एग्ज़ाम बीच में आ रहा था, जिसके वजह से उनको एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन आप लोगों का नीट में कोई भी डेट जो है बीच में नहीं आ रहा है, तो कोई भी यहाँ पर वैलिड रीज़न नहीं है कि जिससे आप लोग का एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दे। तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम का। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।